फलसुन क्षेत्र के पास संग्राम सिंह की डाणी बैसड़ा के कुछ दिन पूर्व एक्सीडेंट से हुई मौत के बाद लगातार 7 दिनों से कई जनप्रतिनिधियों के साथ बनियाना क्षेत्र के कई ग्रामवासी धरने पर बैठे हैं। टक्कर होने के बाद गाड़ी मालिक व कंपनी के अधिकारियों की ओर से वार्ता भी की गई, लेकिन वार्ता विफल रहने के बाद लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। पीड़ित परिवार की मांग है कि एक को नौकरी दी जाए या मुआवजा दिया जाए। अगर दोनों ही नहीं दिए जाते हैं तो ये धरना लगातार जारी रहेगा। बनियाना क्षेत्र के आसपास के सभी गांव एवं सरपंच सहित पंचायत समिति सदस्य एवं कई लोग धरना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार का समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि टक्कर मारने वाली गाड़ी के मालिक रिव्यू पावर कंपनी के मालिक की है, लेकिन टक्कर होने के बाद जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके बाद ना तो कंपनी के अधिकारी और न ही कंपनी मालिक की ओर से पीड़ित परिवार से बात की गई। यहां तक कि अधिकारियों का पूरी तरीके से तानाशाही रवैया होने के कारण पीड़ित परिवार धरने पर बैठा है। लगातार पीड़ित परिवार की मांग है कि उनकी मांगों को माना जाए, अन्यथा प्रदर्शन को उग्र किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 7 दिन से लगातार ये धरना चल रहा है। से कंटिन्यू हम इस सोलर प्लांट के गेट के आगे बैठे हैं। जनप्रतिनिधि भी है और जनता आक्रोशित है और 6 दिन से कंटिन्यू यहीं बैठी है। और हमारी जो मांगे को लेकर एक दो बार वार्तालाप भी हुई, मगर इन कंपनी के जो अधिकारी और तानाशाही की वजह से इनसे कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं मिल रहा है। और जिस जगह घटना हुई उस घटना से लेकर के आज दिन तक हम उस परिवार को शांति और आश्वासन दिला के बैठे हैं कि हम आपके साथ हैं। और कंपनी जिस तरीके से तानाशाही कर रही है उस तरीके से जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हमारी कंपनी से भी निवेदन है और उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि इस कंपनी के प्रति अब दबाव बनाए और इस परिवार का साथ और सहयोग दें।